आई है, तो अगर देश के चारों शंकराचार्य हम उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, वो हमारे धर्म के अगवा हैं, उन्हीं से बहुत सारी परंपराओं, बहुत सारे धर्म की जानकारी हमें मिलती है। और अगर चारों शंकराचार्य मना कर रहे हैं किसी बात को लेकर, तो भारतीय जनता पार्टी क्या आरोप लगाएगी उनपे कि वो सनातनी नहीं है? जो आरोप विपक्ष के नेताओं पे लगा रहे हैं, इनका बस चले तो हमारे जो पूजनीय सम्मानित जो शंकराचार्य जी हैं उनपे भी आरोप लगा सकते हैं। आपने कहा आज सर्वे आया है कि कूड़े में, सफाई में शहर कहाँ पहुँच गए। लखनऊ तो बहुत नीचे गिर गया। मुझे नहीं लगता, आंकड़ों में तो बनारस हो सकता ऊपर नीचे दिखाई दे रहा हो, लेकिन सच्चाई में जमीन पर देखोगे सबसे ज्यादा गंदगी आपको दिखाई देगी, सबसे ज्यादा जानवर आपको दिखाई देंगे। जिस माँ गंगा को साफ करने के लिए पूजा की गई, संकल्प लिया गया, आह्वान किया गया, माँ गंगा वैसी की वैसी है। जो बुनियादी सुविधाएं, ट्रैफिक का इंतजाम, लोगों का आना जाना आसान होना, समय पे चीजें मिल जाना, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो हमारा पानी का इंतजाम हो, बताओ आप 10 साल में और लखनऊ की सरकार के जो 7 साल पूरे होने जा रहे हैं, क्या सुविधाएं बनारस में मिली? और बनारस तो स्मार्ट सिटी में माना जाता है। स्मार्ट सिटी में जनता आकलन करे कि पिछले 10 साल में स्मार्ट सिटी कितना आगे बढ़ा है। शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं। बताइए मुझे, जो आपने सनातन का सवाल इतना महत्वपूर्ण पूछा, हाँ ठीक, PHU में जो घटना हुई, जो अपराधी पकड़े गए या जिन पे आरोप है, उन्हें उनकी हर एक की तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ है। मैं भारतीय जनता पार्टी या आप साथी लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, क्या जो उन पे आरोप लगा भारतीय जनता पार्टी के सनातनी नेताओं के साथ तस्वीर थी कि नहीं थी? मुख्यमंत्री जी किसी के साथ फोटो नहीं खिंचवाते, लेकिन तीनों अपराधियों के साथ उनकी तस्वीर थी, सोचिए आप। तो क्या ये सजा दिलाने के लिए जो पहले कार्रवाई होनी थी क्यों नहीं की कार्रवाई? आज सबसे ज्यादा अपराधी बीजेपी में है। इंडिया का कॉरिडोर, महिला कॉरिडोर, इंडिया का बंधन की बात में भी बहुजन समाज पार्टी भी पॉलिटिकल, उससे क्या लाभ मिल जाए? क्योंकि आय दोगुनी बता नहीं सकते, नौजवानों को नौकरी दी नहीं, चरम सीमा पर महंगाई पहुंचा दी, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार बढ़ा दिया, उनके पास जवाब क्या है? इसीलिए इवेंट के बहाने हर चीज को वो भुलाना चाहते हैं। मेरे पत्रकार साथियों, अगर तुम ज्यादा सवाल पूछोगे तो तुम भी सनातन विरोधी हो जाओगे। चंपक राय कह रहे हैं। जी भैया, मेरे पत्रकार साथियों, आप अपनी जब से बीजेपी की सरकार आई है, नौकरियाँ खत्म हो गई, जी नौकरियाँ नहीं है। आप मनीष क्या है, पढ़े लिखे नौजवान के सामने संकट है, जब महंगी पढ़ाई हो जाए, एडमिशन आवाज आने वाले समय में नौजवानों को सम्मान का रोजगार मिले, उस दिशा में काम करना होगा। तो बीजेपी की दो सरकारों का विकास, नीचे करिए, दो सरकारों का विकास, लेकिन जिन वालों को बीजेपी ने जनता में रफ्तार आज किसी वादे को पूरा नहीं किया, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, कोई भी सपना दिखाए लेकिन किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। जो लोग ये कहते हैं विकसित भारत बनेगा, क्या बिना किसानों की आय बढ़े विकसित भारत कैसे बनेगा? जो कहते हैं विकसित भारत के लिए काम कर रहे हैं, जब रोजगार बड़े पैमाने पर होंगे तो विकसित भारत कैसे बनेगा? जो निवेश का सपना दिखाया, आज उत्तर प्रदेश में निवेश नहीं आ रहा है, और आपने हमने सबने देखा कि देश के प्रधानमंत्री जी गुजरात में निवेश का आयोजन कर रहे थे,
बड़े बड़े उद्योगपतियों ने ये संकल्प लिया उनके सामने कि गुजरात में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट गुजरात में चला जाएगा तो हमारे मुख्यमंत्री जी जो 40 लाख करोड़ का हिसाब लगा करके बैठे थे, उनके पास निवेश क्या आएगा? तो निवेश आ नहीं रहा। सरकार केवल इवेंट, कार्यक्रम, योजनाओं में पैसा डाइवर्ट कर रही है और इतना भ्रष्टाचार, इतनी लूट और जमीनों पर कब्जा कभी उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ जितना बीजेपी की सरकार में अधिकारियों ने मिलकर के बीजेपी नेताओं के साथ किया है। आज अगर भूमाफिया पार्टी कोई है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। कोई भी जिला उठा करके देख लो, वहाँ की रजिस्ट्रियां उठा करके देख लो, अगर सबसे ज्यादा जमीनों का कारोबार, जमीनें कब्जा करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने। अखिलेश जी, आपने एक एक्स पे पोस्ट किया कि उदारवादी और कट्टरवादी भारतीय इतिहास में ऐसा देखा गया है और इसी रुक नहीं पा रहा है, इसका क्या अर्थ थोड़ा समझा दीजिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जातिवाद को लेकर के जातियां खत्म हो, और एक समय ऐसा भी था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी एक सम्मेलन में जाना चाहते थे लेकिन सम्मेलन में उनको जाने से कुछ न कुछ ऐसा हो जाता जिसकी वजह से सम्मेलन कैंसिल करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने उसी भाषण को अपने ऐसे के रूप में एनिमिलेशन ऑफ कास्ट सबके सामने रखा। इसी तरह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पूरी जिंदगी भर इस बात का प्रयास करते रहे कि जाति खत्म हो, जातियां टूटें, और नेताजी से लेकर के जितने भी समाजवादी आंदोलन चले हैं उन्होंने जातियां तोड़ने का काम किया या जातियां कैसे टूटे उस दिशा में काम किया, चाहे वो राजनारायण जी हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी हो या पुराने तमाम नेता जिनके हम नाम दे सकते हैं। लेकिन अभी भी समाज में जातियां नहीं खत्म हुई, जातियों का भेदभाव ये भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया है और जानबूझ करके विपक्ष के लोगों को अपमानित करने के लिए तमाम तरह का प्रचार चलाते हैं। जो निमंत्रण देने का मामला है, निमंत्रण भगवान का कौन कैसे दे सकता है? भगवान तो जिसको बुलाते हैं वो अपने आप से चला जाता है। मनीष भाई तो एक इसलिए जब से बीजेपी की सरकार आई है नौकरियां खत्म हो गई जी, नौकरियां नहीं है। आप मनीष क्या है, बड़े लिखे नौजवान के सामने संकट है, जब महंगी पढ़ाई हो जाए, एडमिशन आने वाले समय में नौजवानों को सम्मान का रोजगार मिले उस दिशा में काम करना होगा। ये बीजेपी की दो सरकारों का विकास, नीचे करिए दो सरकारों का विकास, लेकिन जिन वादों को बीजेपी ने जनता में आज किसी वादे को पूरा नहीं किया। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, कोई भी सपना दिखाए लेकिन किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। जो लोग ये कहते हैं विकसित भारत बनेगा, क्या बिना किसानों की आय बढ़े विकसित भारत कैसे बनेगा? जो कहते हैं विकसित भारत के लिए काम कर रहे हैं, जब रोजगार बड़े पैमाने पर होंगे तो विकसित भारत कैसे बनेगा? जो निवेश का सपना दिखाया, आज उत्तर प्रदेश में निवेश नहीं आ रहा है, और आपने हमने सबने देखा कि देश के प्रधानमंत्री जी गुजरात में निवेश का आयोजन कर रहे थे। बड़े बड़े उद्योगपतियों ने ये संकल्प लिया उनके सामने कि गुजरात में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट गुजरात में चला जाएगा तो हमारे मुख्यमंत्री जी जो 40 लाख करोड़ का हिसाब लगा करके बैठे थे, उनके पास निवेश क्या आएगा? तो निवेश आ नहीं रहा। सरकार केवल इवेंट, कार्यक्रम, योजनाओं में पैसा डाइवर्ट कर रही है और इतना भ्रष्टाचार, इतनी लूट और जमीनों पर कब्जा कभी उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ जितना बीजेपी की सरकार में अधिकारियों ने मिलकर के बीजेपी नेताओं के साथ किया है। आज अगर भूमाफिया पार्टी कोई है तो वह भारतीय जनता पार्टी है।
कोई भी जिला उठा करके देख लो, वहाँ की रजिस्ट्रियां उठा करके देख लो, अगर सबसे ज्यादा जमीनों का कारोबार, जमीने कब्जा करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने। अखिलेश जी आपने एक एक्स पे पोस्ट किया कि उदारवादी और कट्टरवादी भारतीय इतिहास में ऐसा देखा गया है और इसी रुक नहीं पा रहा है, इसका क्या अर्थ थोड़ा समझा दीजिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जातिवाद को लेकर के जातियां खत्म हो, और एक समय ऐसा भी था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी एक सम्मेलन में जाना चाहते थे, लेकिन सम्मेलन में उनको जाने से कुछ न कुछ ऐसा हो जाता जिसकी वजह से सम्मेलन कैंसिल करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने उसी भाषण को अपने ऐसे के रूप में एनिमिलेशन ऑफ कास्ट सबके सामने रखा। इसी तरह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पूरी जिंदगी भर इस बात का प्रयास करते रहे कि जाति खत्म हो, जातियां टूटें, और नेताजी से लेकर के जितने भी समाजवादी आंदोलन चले हैं उन्होंने जातियां तोड़ने का काम किया, या जातियां कैसे टूटे उस दिशा में काम किया, चाहे वो राजनारायण जी हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी हो, या पुराने तमाम नेता जिनके हम नाम दे सकते हैं, कहीं भी समाज में जातियां नहीं खत्म हुई। जातियों का भेदभाव ये भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया है, और जानबूझ करके विपक्ष के लोगों को अपमानित करने के लिए तमाम तरह का प्रचार चलाते हैं। जो निमंत्रण देने का मामला है, निमंत्रण भगवान का कौन कैसे दे सकता है, भगवान तो जिसको बुलाते हैं वो अपने आप स्वयं चला जाता है। मनीष भाई तो इसलिए अगर ये बात आई है तो अगर देश के चारों शंकराचार्य हम उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, वो हमारे धर्म के अगवा हैं, उन्हीं से बहुत सारी परंपराओं, बहुत सारे धर्म की जानकारी हमें मिलती है, और अगर चारों शंकराचार्य मना कर रहे हैं किसी बात को लेकर के, तो भारतीय जनता पार्टी क्या आरोप लगाएगी उन पे कि वो सनातनी नहीं है? जो आरोप विपक्ष के नेताओं पे लगा रहे हैं इनका बस चले, तो हमारे जो पूजनीय सम्मानित जो शंकराचार्य जी हैं उन पे भी आरोप लगा सकते हैं। जब जब भगवान बुलाएंगे ऐसा है। ए मेरे पत्रकार साथियों, अगर तुम ज्यादा सवाल पूछोगे तो तुम भी सनातन विरोधी हो जाओगे। अरे मेरे पत्रकार साथियों, आप अपनी पत्रकारिता का धर्म निभाना, और सनातन और जो हमारी भारतीय परंपराएं हैं, समाजवादी पार्टी, समाजवादी लोग पूरी 100% हिंदू या सनातनी परंपराओं को मानते हैं। लेकिन आज जब हम विवेकानंद जी को याद करें, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी ने पूरी दुनिया में संदेश दिया, और उनका जो शिकागो का भाषण था उन्होंने क्या कहा कि हमारा जो समाज है वो टॉलरेंट है, हम दुनिया को टॉलरेंस सिखाते हैं, हमने हर एक को एक्सेप्ट किया है, जो भी हमारे भारत में आया हमने उसे एक्सेप्ट किया। तो ये बताइए, सनातन धर्म के जो आरोप लगाते हैं, हम तो पेड़ को पूजते हैं, हवा को पूजते हैं, आग को पूजते हैं, मिट्टी को पूजते हैं, पानी को पूजते हैं, और जितने पेड़ हैं उन सबको पूछते हैं, तो कि हम सनातनी नहीं है। इसलिए इस बहस में मत पड़िए। बीजेपी के लोग जानबूझ करके अगर ज्यादा सवाल आप पूछोगे तो आप भी सनातनी नहीं माने जाओगे। मैं जानता हूँ, चंपत राय कह रहे हैं कि अयोध्या में दान देने वालों के गर्दन काट लिए जाते हैं, अगर कोई दान कोई आता है अयोध्या में तो उसका गर्दन तक काट लिया जाता है। क्यों ये क्या बात है? कन्नौज से कुछ लोग इत्र और चांदी का फूल लेके पहुंचे थे। देखिए ये जो भाषा का इस्तेमाल, तो इसका मतलब वो खुद सनातनी नहीं है। अगर वो गले काटने की बात कर रहे हैं, और जिनको संविधान और कानून पे भरोसा नहीं है वो कभी सनातनी नहीं हो सकते हैं। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और नेताजी जो संविधान को मानते रहे, संविधान को हम मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं, जो संविधान मानता है वो इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकता। बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं की कमी है, सड़क है,
बिजली पानी ये बताइए मुझे, जो आपने सनातन का सवाल इतना महत्वपूर्ण पूछा, बीएचयू में जो घटना हुई, जो अपराधी पकड़े गए या जिन पे आरोप है, उन्हें उनकी हर एक की तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ है। मैं भारतीय जनता पार्टी या आप साथी लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, क्या जो उन पे आरोप लगा भारतीय जनता पार्टी के सनातनी नेताओं के साथ तस्वीर थी कि नहीं थी? मुख्यमंत्री जी किसी के साथ फोटो नहीं खिंचवाते, लेकिन तीनों अपराधियों के साथ उनकी तस्वीर थी, सोचिए आप। तो क्या ये सजा दिलाने के लिए जो पहले कार्रवाई होनी थी क्यों नहीं की कार्रवाई? आज सबसे ज्यादा अपराधी बीजेपी में है। इंडिया गठबंधन की बात, इंडिया गठबंधन की बात, और तो बहुजन समाज, एक मिनट, बहुजन समाज पार्टी में सम्मिलित होगी क्या इंडिया गठबंधन? ये जो सुविधाओं को लेकर के आपने कहा, आज सर्वे आया है कि कूड़े में, सफाई में शहर कहाँ पहुँच गए। लखनऊ तो बहुत नीचे गिर गया, मुझे नहीं लगता आंकड़ों में तो बनारस हो सकता ऊपर नीचे दिखाई दे रहा हो, लेकिन सच्चाई में जमीन पर देखोगे सबसे ज़्यादा गंदगी आपको दिखाई देगी, सबसे ज़्यादा जानवर आपको दिखाई देंगे। जिस माँ गंगा को साफ करने के लिए पूजा की गई, संकल्प लिया गया, आह्वान किया गया, माँ गंगा वैसी की वैसी हैं। जो बुनियादी सुविधाएँ, ट्रैफिक का इंतज़ाम, लोगों का आना जाना आसान होना, समय पर चीज़ें मिल जाना, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो हमारा पानी का इंतज़ाम हो, बताओ आप 10 साल में और लखनऊ की सरकार के जो 7 साल पूरे होने जा रहे हैं, क्या सुविधाएं बनारस को मिली हैं? और बनारस तो स्मार्ट सिटी में माना जाता है। स्मार्ट सिटी में जनता आकलन करे कि पिछले 10 साल में स्मार्ट सिटी कितना आगे बढ़ा है। एडमिशन्स ना मिले तो नौकरी कहाँ है? समाजवादी पार्टी ये संकल्प दिलाती है कि आने वाले समय में नौजवानों को सम्मान का रोजगार मिले, उस दिशा में काम करना होगा। और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी तो बीजेपी की दो सरकारों का विकास दिखना चाहिए, दो सरकारों का विकास। लेकिन जिन वादों को बीजेपी ने जनता में रखे थे, आज किसी वादे को पूरा नहीं किया। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, कोई भी सपना दिखाए लेकिन किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। जो लोग ये कहते हैं विकसित भारत बनेगा, क्या बिना किसानों की आय बढ़े विकसित भारत कैसे बनेगा? जो कहते हैं विकसित भारत के लिए काम कर रहे हैं, जब रोजगार बड़े पैमाने पर होंगे तो विकसित भारत कैसे बनेगा? जो निवेश का सपना दिखाया, आज उत्तर प्रदेश में निवेश नहीं आ रहा है। और आपने, हमने सबने देखा कि देश के प्रधानमंत्री जी गुजरात में निवेश का आयोजन कर रहे थे। बड़े बड़े उद्योगपतियों ने ये संकल्प लिया उनके सामने कि गुजरात में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट गुजरात में चला जाएगा तो हमारे मुख्यमंत्री जी जो 40 लाख करोड़ का हिसाब लगा करके बैठे थे, उनके पास निवेश क्या आएगा? तो निवेश आ नहीं रहा, सरकार केवल इवेंट, कार्यक्रम, योजनाओं में पैसा डाइवर्ट कर रही है। और इतना भ्रष्टाचार, इतनी लूट और जमीनों पर कब्जा कभी उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ जितना बीजेपी की सरकार में अधिकारियों ने मिलकर के बीजेपी नेताओं के साथ किया है। आज अगर भू माफिया पार्टी कोई है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। कोई भी जिला उठा करके देख लो, वहाँ की रजिस्ट्रियाँ उठा करके देख लो, अगर सबसे ज़्यादा जमीनों का कारोबार, जमीनें कब्जा करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जातिवाद को लेकर के जातियां खत्म हो, और एक समय ऐसा भी था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी एक सम्मेलन में जाना चाहते थे, लेकिन सम्मेलन में उनको जाने से कुछ न कुछ ऐसा हो जाता जिसकी वजह से सम्मेलन कैंसिल करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने उसी भाषण को अपने ऐसे के रूप में एनिमिलेशन ऑफ कास्ट सबके सामने रखा। इसी तरह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पूरी जिंदगी भर इस बात का प्रयास करते रहे कि जाति खत्म हो, जातियां टूटें।
और नेताजी से लेकर के जितने भी समाजवादी आंदोलन चले हैं, उन्होंने जातियां तोड़ने का काम किया, या जातियां कैसे टूटे उस दिशा में काम किया, चाहे वो राजनारायण जी हों, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी हों, या पुराने तमाम नेता जिनके हम नाम ले सकते हैं, लेकिन अभी भी समाज में जातियां नहीं खत्म हुई। जातियों का भेदभाव ये भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया है और जानबूझ करके विपक्ष के लोगों को अपमानित करने के लिए तमाम तरह का प्रचार चलाते हैं। जो निमंत्रण देने का मामला है, निमंत्रण भगवान का कौन कैसे दे सकता है? भगवान तो जिसको बुलाते हैं वो अपने आप स्वयं चला जाता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये पॉलिटिकल प्रोग्राम कर रही है, और पॉलिटिकल उससे क्या लाभ मिल जाए, क्योंकि आय दोगुनी बता नहीं सकते, नौजवानों को नौकरी दी नहीं, चरम सीमा पर महंगाई पहुंचा दी, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार बढ़ा दिया, उनके पास जवाब क्या है? इसीलिए इवेंट के बहाने हर चीज को वो भुलाना चाहते हैं।